नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर उमा शंकर सिंह, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों आइए आज हम जानते हैं लैसिक्स के बारे में। साथियों जिसे आप सैंपल भाषा में लैसिक्स बोल देते हैं। साथियों ये हॉस्पिटल में और क्लिनिक पे हर जगह मिलता है, जिसे लैसिक्स कहते हैं या फिर लैसिक्स भी कह सकते हैं। साथियों इसका उपयोग, खुराक, दुष्प्रभाव, सावधानियाँ, मूल्य और अन्य जानकारी बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं वो आपको आसानी से मिल जाए। तो साथियों चलिए शुरू करते हैं। साथियों जो लैसिक्स होता है, इसको कहते हैं कि ये लैसिक्स दवाओं का एक समूह से संबंधित है, जिसे लूप डायरेक्ट्रिक्स के नाम से जाना जाता है, यानी कि लूप डायरेक्ट्रिक्स कहा जाता है, जिसका उपयोग एडिमा में किया जाता है। एडिमा कहें तो साथियों स्वेलिंग यानी कि सूजन हो जाती है, उसमें किया जाता है। हाथ में सूजन हो, पैर में सूजन हो, और उच्च रक्तचाप यानी कि हाइपरटेंशन यानी कि ज़्यादा बीपी बढ़ गई हो, तो साथियों लैसिक्स उपयोग करेंगे, इसके प्रबंधन में किया जाता है। यानी कि बीपी ज़्यादा बढ़ जाती है तो साथियों हॉस्पिटल में इंजेक्शन तुरंत लगाते हैं, यानी कि तुरंत लगाते हैं इंजेक्शन। अगर बीपी ज़्यादा हुई अब पेशेंट को पेशाब जल्दी जल्दी होगी और उसको आराम मिल जाता है। तो साथियों लैसिक्स देने से जो शरीर में पानी होता है वो कम कर देती है, यानी कि उसको पानी को बाहर निकालती है, तो इस वजह से बीपी भी कम होती है, उसके साथ साथ सूजन भी कम होती है। साथियों फ्यूरोसामाइड लैसिक्स का सक्रिय घटक के रूप में कार्य करता है। जो फ्यूरोसामाइड होता है साथियों इसका घटक है, यानी कि कहें तो कॉम्बिनेशन है। तो साथियों ये तो उपयोग हो गया। साथियों खुराक जो है कि कहें तो आप सुबह दोपहर शाम तीन टाइम दे सकते हैं लैसिक्स को, यानी कि एक गोली, एक इंजेक्शन सुबह, एक इंजेक्शन दोपहर में और एक इंजेक्शन शाम को। बड़े एडल्ट लोगों में साथियों एक एक एम्पुल यानी कि पूरा एम्पुल लग जाता है। साथियों निम्नलिखित बीमारियों की रोकथाम, नियंत्रण और उपचार में लैसिक्स उपयोग किया जाता है। देखिए एडिमा यानी कि एडिमा कहें तो सूजन, साथियों संक्रामक दिल की विफलता से जुड़ा हुआ है, यानी कि जब एडिमा होती है तो साथियों दिल की बीमारी भी उससे जुड़ी होती है, तो भी एडिमा होता है। साथियों एडिमा यकृत की सिरोसिस से जुड़ा हुआ होता है, यानी कि एडिमा यदि यकृत लीवर जिसे कहते हैं, साथियों लीवर में अगर सिरोसिस हो गई है तो भी ऐसा होता है। साथियों एडिमा तब होता है यदि गुर्दे की बीमारी जुड़ा हुआ है, यानी कि नेफ्राइटिक सिंड्रोम सहित, यानी कि पेशाब सही से नहीं हो रही है, किडनी की बीमारी हो गई है साथियों, कोई दिक्कत हो रही है, उससे भी सूजन हो जाती है, यानी कि किडनी में दिक्कत है तो भी सूजन हो जाती है। साथियों तीव्र फुफ्फुसी एडिमा यानी कि जो आपका सांस लेने में कठिनाई होती है वो भी कभी कभी एडिमा कारण बनता है। साथियों उसके साथ साथ उच्च रक्तचाप साथियों यानी कि जिसे हाइपरटेंशन या फिर उच्च बीपी बोलते हैं, इसमें देते हैं। साथियों ऊपर वर्णित जो मैंने कुछ भी आपको बताया, ऊपर जो मैंने कुछ भी वर्णित किया या फिर कहें तो वर्णन किया, उसका आप सही से इस्तेमाल करिए, बहुत ही अच्छी दवा है, यानी कि लेकिन सिम्टम को देखते हुए कब देना है, कब कहाँ नहीं देना है। लेकिन साथियों यदि आप इलेक्ट्रोलाइट की जांच कराते हैं, यदि पेशेंट का इलेक्ट्रोलाइट कम है तो आप नहीं देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट और ये बाहर निकाल फेंकता है, जो भी शरीर में तत्व हैं उसको बाहर निकालता है जल्दी जल्दी। तो साथियों इस तरह से ये सावधानी देख परख के इंजेक्शन चाहे फिर टैबलेट आपको देना है, यानी कि कहें तो साथियों जब आपको ये इंजेक्शन लगे कि देने लायक है तो देना चाहिए, और टैबलेट भी बहुत सोच समझ के देना चाहिए कि पेशेंट को किस स्थिति में क्या कैसे देना है। तो साथियों बस इतना ही, चलते चलते आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो साथियों फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए साथियों जय हिंद, धन्यवाद।